कैसे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, डीएम मधुबनी। मधुबनी जिला वासियों को आज मुझे ये जानकारी देना है कि 13 नए पॉजिटिव केसेस जिले में आए हैं। आपको पता है कि नरार कलुआई में 65 साल की एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उनके घर में और दो, एक 2 साल की लड़की और एक 15 साल का लड़का ये पॉजिटिव पाया गया है। फुलपरास का एक 15 साल का लड़का पॉजिटिव पाया गया है। फिर बरही टोला जयनगर के दो व्यक्ति, जो एक 23 साल का है और एक 25 साल का है, ये दिल्ली से आए थे, ये भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राजनगर प्रखंड के 17 साल का लड़का एक लखनऊ से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया है। फिर एक 39 साल के पुरुष है, वो पटना से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक 18 साल का लड़का है, वो लखनऊ से आया था, वो भी पॉजिटिव पाया गया था। आपको पता है कि जो नरार कलुआई की महिला थी, उनके साथ दिल्ली से एक और महिला आई थी, वो 27 साल की है, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। झंझारपुर प्रखंड में एक 54 साल का आदमी पुरुष है, जो कलकत्ता से आया है, ड्राइवर का काम करते, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और 20 साल का एक पुरुष है, वो भी कलकत्ता से आए थे, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको पता है कि झंझारपुर पिपरोलिया में दो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, उनके संपर्क में आए हुए दो और व्यक्ति, जिनके सैंपल हम लोगों ने पूर्व में भेजे थे, वो पॉजिटिव पाए गए। इस तरीके से 13 व्यक्ति जिले में आज पॉजिटिव पाए गए हैं और पूर्व से 5 व्यक्ति, इस तरीके से 18 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। हम लोग अब कंटेनमेंट जोन का तुरंत ऑर्डर निकाल रहे हैं और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत एसओपी का फॉलो करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करिए और अपना ये कोरोना से जो लड़ना है, सबको लड़ना होगा और सबका कोऑपरेशन इसमें चाहिए। थैंक यू।